वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू ऑल गाइज एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, आप सभी के लिए इंडियन रेलवेज की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले पीयूष गोयल जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया था कि 130,000 पदों पर फरवरी माह के अंत में वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी होना है, और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आप लोगों को मैं डेट भी दिखाई देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 2019 यानी कि दूसरा महीना 19 तारीख 2019 आज की डेट में ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है। और उन्होंने बोला था कि एक पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसके अंदर टोटल डिपार्टमेंट बताए जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बताई जाएंगी और साथ में कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं ये बताया जाएगा, और फॉर्म फीस हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स शॉर्ट में बताया जाएगा, उसके लिए नोटिस जारी किया गया है। और उनका कहना था कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर सबसे पहले नोटिस जारी किया जाएगा। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जब आप लोग www.employmentnews.government.in पे जाएंगे तो आपको ये नोटिस मिल जाएगा, साथ में पूरा वीडियो बताने के बाद आप लोग देखिएगा उसको। और इसके बाद मैं इसका पीडीएफ जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग सिंपली वहां से भी चेक कर पाएंगे। यहां पे देख सकते हैं आप लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर ये 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2019 के लिए प्रकाशित होने वाला था, लेकिन बहुत पहले ही हम लोगों के पास ये पहुँच चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेगा क्योंकि मैं बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट है और उन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कितने टोटल पोस्ट हैं, कितनी फॉर्म फीस है, और क्या होने वाली है आपकी स्टार्टिंग डेट फॉर्म सबमिशन की, और क्या होगी लास्ट डेट, और बाकी सिलेबस वगैरह के बारे में शायद अगर बताया होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो जब भी आएगा तब बता दूंगा। तो प्लीज़ आगे भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ में अगर वीडियो पसंद आया आपके काम की लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होने वाली है, अगर आप 10वीं पास कैंडिडेट है तो भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRBS सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया CEN नंबर 1/2019 के लिए, 2/2019 के लिए एंड 3/2019 के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है CEN नंबर RRC 1/2019 के लिए भी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी होना है। आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूं, आप लोग यहां पे देख सकते हैं 1.0 वैकेंसीज में आपका टोटल 4 प्रकार की पोस्ट देखने को मिलेगी। पहला होगा NTPC, जिसे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज बोलते हैं डिटेल में, उसके बाद पैरा मेडिकल स्टाफ, उसके बाद मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, उसके बाद लेवल 1 की पोस्टें देखने को मिलेंगी। एक बार मैं वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ आप सभी को, आपकी जो 1 से लेकर 3 पोस्टें होने वाली उसके लिए आपका 30,000 पद आएगा, और जो लेवल 1 का होगा उसमें 1 लाख पदों पर नोटिफिकेशन जारी होगा फुल, और उन 1 लाख पदों के लिए केवल 10वीं पास मांगा जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, देन ट्रेंस क्लर्क, उसके बाद कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट, उसके बाद गुड्स गार्ड, उसके बाद सीनियर कमर्शियल, यहाँ पे लिखा है कम टिकट क्लर्क, उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारी पोस्टें हैं। और इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसका जो 28 फरवरी से आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद है पैरा मेडिकल स्टाफ की पोस्ट आती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है तो स्टाफ नर्स हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, और उसके बाद यहाँ पे फार्मेस्टिक्स, और उसके बाद ECG टेक्निकल, उसके बाद लैब असिस्टेंट, उसके बाद लैब सुपरिटेंडेंटल, उसके बाद एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारी पोस्टें हैं। और इसके लिए 4 मार्च से ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में स्टोनोग्राफर, चीफ ला असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर एक्सेट्रा, बहुत सारी पोस्टें हैं जिसके लिए 8 मार्च से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आता है लेवल 1 पोस्ट की, तो इसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जिसको ग्रुप डी बोलते हैं, हेल्पर असिस्टेंट इन वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, इंजीनियरिंग, और साथ में मैकेनिकल एंड ST डिपार्टमेंट, और साथ में असिस्टेंट पॉइंट मैन एंड लेवल 1 की पोस्टें बहुत सारी होगी। इसके लिए 12 मार्च से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
देन उसके बाद आपकी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 130,000 पदों पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी होना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.2 में क्या बताया गया है कि एज आपकी 1/7/2019 से काउंट की जाएगी, उसके लिए जो है तो फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं पे आपको जो है तो कितनी छूट मिलेगी, कितनी एज होगी, वहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। पे एंड अलावेंस की बात करें तो 7th लेवल में आपका पे मिलेगा 7th CPC में, और आपको पता होगा कि 7th CPC के अंदर आप सभी को मिनिमम जो है तो 18,000 रुपये से लेकर 21,700 रुपये तक दिया जाता है, और अदर्स भी होंगे, अभी मैं अदर्स बेनिफिट की बात करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर देख सकते हैं, 4th नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका चारों पोस्टों के लिए अलग अलग होगा, कुछ में कंप्यूटर जरूरी होगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर नॉलेज, कुछ में ग्रेजुएशन जरूरी होगा, और लेवल 1 की पोस्ट है जो इसमें 1,00,000 वैकेंसीज, उसमें केवल 10वीं पास वाले अप्लाई कर पाएंगे, उसमें ITI भी जरूरी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट की बात करते हैं, कैंडिडेट्स कैन इंश्योर दैट द प्रोसेस फुलफिल ऑल एलिजिबल कंडीशन, यहाँ पे बताया गया क्लोजिंग डेट से पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, यहाँ पे बताया गया, नहीं तो बाद में आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करिए, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। देन उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो आपको पता होगा कि इस बार जो है तो 10% जो है तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल रिजर्वेशन जारी किया गया है, जो कि इस वैकेंसीज में लागू होगा, यहाँ पे उसी के बारे में बात करी गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे CBT जैसे आपका अभी ग्रुप डी में हुआ था, CBT फर्स्ट हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन होगा, इसमें भी होगा सेम टू सेम। फॉर्म फीस की बात करते हैं तो फॉर्म फीस आपका सेम रहेगा जनरल और OBC वालों के लिए 500 रुपये, जिसमें से 100 रुपये आपका चार्ज कटेगा और 400 रुपये एग्जाम अटेंड करने के बाद आपके जो है तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। और अदर बैकवर्ड OBC यहाँ पे ST SC कैटेगरी जो है उसके लिए जो है तो 250 रुपये, और इनका पूरा का पूरा 250 रुपये जमा कर दिया जाएगा जब ये लोग एग्ज़ाम अटेंड कर लेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट डेट अलग है। NTPC के लिए आपका 28/2/2019 28 फरवरी से सुबह 10 बजे से, पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए 4 मार्च सुबह के 10 बजे से, और यहाँ पे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में बात करें तो 8 मार्च से सुबह के 10 बजे से। देन उसके बाद लेवल 1 की पोस्टों के लिए 12 मार्च से सुबह के 10 बजे से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, डेट एंड टाइम बता दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल कंसाइडर ओनली द इंस्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपकी एलिजिबिलिटी दायर की जाएगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में दम होगा यानी ओरिजिनल होंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर पॉइंट पे कहा गया है, यहाँ पे अलग अलग जोन्स बताए गए हैं, अलग अलग जोन्स की ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे अभी सब कुछ चेक कर पाएंगे। उसके बाद जो 16 नंबर है वहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ पे वेबसाइट रेफर की गई है, अलग अलग से जोन की अलग अलग वेबसाइट ऑफिशियल, यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग सिंपली वहाँ से जाके चेक कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट छोड़ दिए गए, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पोस्ट, यहाँ पे बोला गया है कि टेबल वैकेंसीज टेबल एंड एक्सटेंस दे आर एलिजिबल टू अप्लाई थ्रूट ऑनलाइन मोड आर वंस एनी वन RRB और RRC ओनली। आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं वो केवल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कर सकते हैं, और यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन दे आर एलिजिबिलिटी आप लोग अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए बोला जा रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो होगी, आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट जो होगा, आपने जितना पढ़ा होगा लिखा होगा, जिसके डॉक्यूमेंट्स होंगे जिस भी क्लास के, आप लोग उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है कुछ और, वी लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर द रिस्पेक्टिव CEN एप्लीकेशन टू बी मोर देन 1 RRB RRC विच अप्लीकेबल। आपको बोला गया कि आप किसी एक ही के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक ही पोस्ट के लिए एक ही जोन से, और अगर आपको ऐसा हुआ कि दो जोन से मिल गए, ऐसे RRB और RRC दोनों से मिल गए, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा CEN के अकॉर्डिंग। और बाकी यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करी गई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप लोग सिंपली वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।